Everybody fucking jump. तो बिल्कुल भी टाइम
तो मैं आपको एक बार ना पूरा लुक दिखा दूंगा कैसे इसका इंटीरियर, कैसा इसका अंदर का है, तो आप उस चीज को देख के आप अपना एज्यूम कर लेना। बाकी जितना मेरे से भी यहाँ पे कवर करा जा रहा है मैं उतना कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा है। तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी भेजना, मतलब यहाँ पर बर्थडे पार्टी के लिए ना स्पेशल अलग चीज़ है। अगर जैसे आप बर्थडे पे आते हो, यहाँ पर 550 रुपये पर पर्सन है। आपको जैसे 12 बजे आया, हमारा 3 बजे टाइम आउट हो जाएगा, टाइम आउट के बाद हम नहीं खा सकते, 3 घंटे हम जितना भी खाएं वो हम खा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हो तो एक बंदे का बर्थडे है तो उसका बर्थडे का अलग से बोलते हो, उसका आपका केक भी मिलेगा अलग से, और जो आपको जो 550 रुपये 600 रुपये जो आप दे रहे हो वो अलग आपको जो खाना पीना मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा। तो मतलब यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अच्छी जगह है। 4-5 बंदे हो तो 2500-3000 रुपये का खर्चा बैठेगा, लेकिन जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा हूँ टॉप क्लास का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो भाई अब मैं जाता हूँ अपना खाना पीना खाने, अब आप मेरी वीडियो में बने रहे और मैं भी आपको ना एक बार पूरा लुक जरूर दिखाऊंगा कि कैसा मेरे को जो गच लगा है। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। शूटिंग के लिए मना कर दिया था कि वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं आपको वीडियो आगे की नहीं दिखा पाया था। जब मैंने आपको लास्ट जो वीडियो दिखाई थी उसमें था, मैं आपको पूरा बारबेक्यू नेशन दिखा रहा था। तो उसके बाद जो वहाँ के मैनेजर थे वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर शूटिंग करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती। तो गाइस मैं फिर वीडियो मैंने बनाई नहीं पूरी। तो गाइस लेकिन एक बात है, वहाँ पर खाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे और पेट भर के जितना खा सकते हो। मेरे को जो सबसे टेस्टी वहाँ पर लगा, वहां पर लगा वो चीज थी चिकन, ओनली चिकन विंग्स। वहां पर चिकन विंग्स बहुत टेस्टी थे, और वहां पर मतलब आइसक्रीम के भी कई फ्लेवर थे, जैसे पान आइसक्रीम थी और चॉकलेट आइसक्रीम थी, मतलब बहुत सारी आइसक्रीम थी, कैंडीज थी वहां पर, और मतलब पूरा एक नॉन वेज का पूरी एक रो थी, और वेज की एक पूरी रो थी, और बहुत सारी छोटी छोटी वो स्वीट्स थी, पता नहीं कौन कौन सी थी मेरे को तो ये भी नहीं पता। बस मैंने खा ली और पेट में गए और खत्म, मैंने पूरा देखा भी नहीं। और ये देखो पीछे मेरा जो थोड़ी बहुत मैं अभी एडिटिंग करता हूँ, थोड़ी बहुत व्लॉग्स बनाता हूँ, मैं अपने इस HP के लैपटॉप से एडिट करता हूँ, और अपना ये थोड़ा सा ट्राईपोड है, ये कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। वैसे तो मैं अपने छोटा गोरिल्ला ट्राईपोड ले रखा हूँ, उससे मैं अपनी पूरी वीडियो बनाता हूँ। और अभी माइक वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं है, वो सब मेरे DSLR से रिकॉर्ड होता है। तो गाइस एक चीज़ और, मतलब वहाँ पर जाना है ना तो पैसा तो वसूल नहीं है, मैंने देख लिया, क्योंकि 825 रुपये एक बंदे का लगा हमारा। पहले मैं लगा था कम लगा, क्योंकि संडे और सैटरडे वहाँ पर कोई चार्ज वगैरह ज़्यादा रहता है, बाकी जो वीक ऑफ होते हैं उस पर दिन उस पर चार्ज ज़्यादा रहता है। और वैसे अगर किसी दिन जाओगे तो आपको कम रेट मिलेगा, 525 या 625 है, तो 825 का तो हम खा नहीं पाएंगे खैर। लेकिन जितना भी खाया है मस्त खाया है, अच्छा लगा वहाँ पर जाके। और अब ऐसे ऐसे और भी जगह जाएंगे, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साथ जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबाना, और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि अगर आपके दोस्त का भी बर्थडे है या पार्टी है आपके घर में किसी चीज़ की, तो आप वहाँ जाके सेलिब्रेट कर सको। वहाँ पर एक आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, बारबेक्यू नेशन की साइट पर जाके ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, या वहाँ आप जाओ पहले आप बुकिंग कर जाओ, क्योंकि एट अ टाइम वहाँ पर टेबल रिजर्व नहीं हो पाती, क्योंकि पहले ही इतना क्राउड वहाँ पर आता, बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर। मतलब डांस वगैरह भी होता है, जैसे अगर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे के लिए आप डांस भी करवा सकते हो, जो वहाँ का स्टाफ होता है वो एक डांस क्रिएट करता है, डांस सेटअप बनाता है, उसके बाद वो डांस करता है। तो अगर आपको बकायदा वहाँ डांस करना है तो आप डांस भी कर सकते हो। और मेरा एक्सपीरियंस तो फुल यही रहा है कि मेरे तो पैसे वसूल नहीं हुए, बस ये है खा लिया है, पेट भर चुका है, अब रात तक भूख नहीं लगेगी, शरीर पूरा दर्द हो रहा है, मेरे को तो बहुत तेज़ नींद आती है, इसमें और भी वीडियो नहीं बना पाया था। और गाइस वहाँ पर हमें 3 बंदे मिले, इतने मेरे से बहुत छोटे, ये लगा लो 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे, तो इतना बोलते बड़े बड़े, हम तो बोल ही नहीं सकते उस टाइप से, मतलब एक यूट्यूबर को चाहिए उतना बोलना,
बट अभी मेरे बस की नहीं है, उतना बोलना वो कुछ भी, मतलब कुछ भी बुलवा लो, सिक्योरिटी वाले से कुछ भी बुलवा लो, मेरे से नहीं बोला जाता इतना। तो गाइस अब लास्ट में फाइनली ये है कि मैं बारहवीं नेशन से अपने घर आ चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि मैंने इतना खा लिया है, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ अंदर से। मैं अभी एक जिम, मैंने बीच में जिम भी करी थी तो मेरे हाथ भी पूरा शोल्डर दर्द कर रहा है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।